अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स पुरानी किला मोड़ के पास। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान में बीते रात से लापता युवक का खेत से शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के बरासो गांव के वृंदावन की है। मृतक मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी रामाशंकर मांझी का 27 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार था। बताया जा रहा है कि युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक रात को किसी काम से बाइक से बाहर गया, लेकिन देर रात जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। वहीं आज शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां रात से लापता युवक का खेत से शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के बरासो गांव के वृंदावन की है। मृतक मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी रामाशंकर मांझी का 27 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार था। बताया जा रहा है कि युवक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक रात को किसी काम से घर से बाइक से बाहर गया हुआ था, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। वहीं आज शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ ना भरवे सुबह 10 बजे घर से गऊ राती खान न हाँ राती खाने हाँ। और हम कहो बराती घर में मिठाई दे मने घर के हां मोटर साइकिल ये कहां लगो तो बाहर वाला लगो ले बनी तो हमें बाबू घरवा में रही अब बाबू हम मोटर साइकिल लेके फिर एनी में चल गऊ तब से हमर बाबू गवन तले फोन लगाई तो से मोबाइल स्विच ऑफ हो गए ओकर बाद से ना आऊं का भइल बा साइकिल पर ऊपर के रहबे का भइल बा माने का भइल बा हत्या भइल उनकर हां हत्या भइल बा कि हत्या भइल बा हां नाम बताइए अपन नाम बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।